भदोही जिले पर सूर्याम ब्लॉक के बरभद्रपुर गांव में कांता सहित 10 मुसहर परिवार पास गर्म कपड़े और कंबल न होने से ठंडी और शीत लहर में इन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग का ये ठंडी में जंगल में है, न कमरा न कीछ न कीछ पावस है, और हंसले को सूरज से भाई पेट की आवाज है, लेकिन ओढ़ना कपड़ा की बड़ी दिक्कत है। घर दुआर हम लोग के बाहर ना ही सरकार है कोई निगाह है नहीं करते हैं गरीबी की कि हाँ कम्बल दे दिया जाए और कुछ दे दिया जाए, जी यही खाए पड़ा रहे हैं। हाँ अब ये ठंडी में हम लोग का तो बड़ी दिक्कत है, सरकार है कम्बल मिलियत का फायदा हुए, कम्बल मिल जाए सरकार से, यहीं पर बच्चा छोटा छोटा लेके अपन अपन रियाज बैठा रहा जाए, दिन होए तो अपन कमाई धमाई लिया जाए, यहीं व्यवस्था होए और सब वही सब देखा था गरीब के जब रहना कपड़ा बिना मर जाते हैं, खाना बिना मर जाते हैं, कोनो घर दुआर नहीं बा न कोनो चीज बा, जिकरे में एक बाँसों काटी जात कहीं सर्व कैसे जेल दे दत फांसी दे दत मरहा कुड़िया कैसे बनावा जाए कैसे रहा जाए। के उस कह रहे हैं कम्बल बहु जने से कहे है सरकार, प्रधान से कथन कथन अच्छा भाई रहिए आज नहीं काल परसों, यही कहते हैं कौशिक तो मनाई ये ठंडी में खत्म है, पूछते पास है तो दे के क्या कर रे, हम सब जड़ा थे मरा थे कमरा मरा मिलते ही नहीं ठंड में, और अब उतना तो कोहरा पड़ा था और हवा चला तो जो कुछ सुनाइए ना तो गरीब ने चला कमरा बांट दे पूरा डेरा वाले कुल मराता है। हाँ तो मनाई जाड़ा में कैसे रहे, कुल देश बटाई गया कमरा बलभद्रपुर बटाबे ना किया कि चले के देखिए मुसार का जिया थे मराता है। मैं वीडियो देखने वाले आप सभी दर्शकों से अपील करता हूँ कि आप भदोही जनपद के DM जिनका मोबाइल नंबर 94-54-4578 पर कॉल कर दबाव बनाए ताकि इन सभी परिवारों को भी गर्म कपड़े कम्बल वितरण हो सके। मैं अनिल कुमार भदोही उत्तर प्रदेश से इंडिया अनहट के लिए।